होगा सर नमस्कार दोस्तों से कल मैं हूँ सीए संकल्प कांस्टिया और सीए फाइनल ए एफ एम द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे इसको कंप्लीट करें कम टाइम में एंड उसको और एक बार रिवाइज कर ले सो दैट वी कैन इंश्योर दैट वी स्कोर द मैक्सिमम याद रखना अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो ट्रस्ट मी दिस सब्जेक्ट कैन बी अ मेक और ब्रेक फॉर यू बिकॉज ये एक सब्जेक्ट की वजह से आप लोगों को अपना जो एवरेज है वो काफी हद तक पुशअप करने के लिए मिल जाएगा सो इज द केस विद योर ग्रुप वन एज वेल सो लेट्स स्टार्ट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड पांच मिनट लूंगा मैं आपके ज्यादा नहीं बट जो बेसिक पॉइंट्स है लेट्स गेट दैट क्लियर सो एट डेज का मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बना के दे रहा हूं मैंने पहले भी बताया मैं वापस से आपको बताता हूं दैट देखो फॉर योर नवंबर ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन टेक टू डेज फॉर एवरी फेज तो क्या ये टोटल मेरे पास चार फेजेज है इन चार फेजेस के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करोगे ट्वेंटी फाइव मार्क्स इक्वली ऑलमोस्ट डिवाइडेड है एंड यू विल ऑल्सो कंप्लीट दम थरली सो क्या आता है ये फेज वन में एंड दैट इज म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मोर्जर्स एंड एक्विजिशंस बाय डिफॉल्ट पच्चीस मार्क का इसमें से आना ही आना है और इसी से स्टार्ट करो म्यूचुअल फंड से एक आपको किक स्टार्ट मिलेगा इजी चैप्टर है मजा आएगा फिर बाद में आते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओरिएंटेड है ये भी एकदम स्मूथली हो हो जाएगा एंड 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 थर्ड एक्विजिशंस एक्विजिशंस नाउ यूजुअली इग्नोर जाता है या इसके ना छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स अपन लोग ध्यान से करते नहीं है सो so, इसके लिए मैंने फेज वन में रखा है बिकॉज अपन यहाँ पे एकदम फ्रेश uh, रहेंगे सो वी विल बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस चैप्टर विच कम्स फॉर टेन मार्क्स फॉर श्योर इन एवरी अटेम्प्ट सेकेंड फेज में मैंने लिया है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग जो नया है डेरिवेटिव्स एंड सिक्योरिटाइजेशन ये ऑब्वियसली एक थ्योरी है सो so ये थ्योरी तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे जो रिवीजन लेक्चर्स है थ्योरी के उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है वो मैं भी आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा डेफिनेटली वहां से देख लो बट उसके पहले

दैट एज अ फेज टू टू डेज अब इसमें से सर कौन से क्वेश्चन करने हैं आ रहा हूं उसके ऊपर भी थर्ड फेज में आ जाता है माई फेवरेट फॉर एक्स आई एफ एम एन आई आर आर एम एंड लास्ट फेज है बिजनेस वैल्युएशन सिक्योरिटी एनालिसिस रिस्क मैनेजमेंट जो थ्योरी वाले हैं सो लास्ट फेज फटाफट अपने को उड़ाना है अगर कहीं पे अपने पास टाइम कम भी पड़ रहा है तो ये लास्ट फेज से अपन लोग उसको थोड़ा चुरा सकते हैं बिकॉज लास्ट फेज इज मच ऑफ थ्योरी पार्ट एंड मैनेजेबल और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है करना है अपने को बॉस एक चीज याद रखना कोई भी चैप्टर ऑप्शन में मत छोड़ना बिकॉज आईसीए आई की नजर आप सबके ऊपर है कहीं पे भी आपकी नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी सो डोंट डू दैट मिस्टेक एंड प्लस मैंने पंद्रह के पंद्रह चैप्टर्स का गाइस रिवीजन लेक्चर्स बनाया हुआ है ये देखो ऑल चैप्टर्स रिवीजन लेक्चर इज द हार्डली वन आर टू आर का है कुछ कुछ चैप्टर्स का तो यार तो मतलब उसको तो 1.5 और उसके स्पीड पे देखोगे तो स्मूथली हो जाएगा मतलब कोई स्कोप ही नहीं आपको कोई भी चैप्टर ऑप्शन छोड़ने का राइट right? सो so, ये है अपना रिवीजन स्ट्रेटेजीज रहेगा

तो सर ये कहां पे मिलेगा हमारे को ये आपको मिलेगा ऑन माय टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट्स में दिया हुआ है ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम देयर क्या ये कवर करता है सारे के सारे एस्पेक्ट टू अ वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट यस तो ये देखो इसमें मैंने आपको बताया भी है कौन से क्वेश्चंस मैंने कहा किए हैं मॉड्यूल में कहा सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को देखो मैं सो so, ये वाला चैप्टर टू सिक्योरिटी एनालिसिस का मॉड्यूल का कौन सा क्वेश्चन कहां से पिकअप किया है एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिफर दिस एंड अपना काम हो जाएगा क्यों मैंने इसमें लिए है मास्टर सम्स कि भाई इतना कर लिया अपन लोग ने देन इन दैट केस कॉन्सेप्ट वाइज काफी सारी चीजें अपनी कवर हो जाएगी सो दैट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू और आप लोगों को जो एक टाइम uh, का क्रंच रहता है वो डेफिनेटली यहां से अपना सॉल्व हो जाएगा राइट गाइज सो ये अपने को फॉलो करना है तो यहां पे दो दो दिन में दो दो दिन में सर कौन से कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं उसके लिए मैंने आप लोगों को दे दिया ये सुपर सिक्सटी अब आ जाओ कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हब हमेशा याद रखना जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो प्लीज मेक अ समरी ऑफ एवरी क्वेश्चन इससे आपको एक किक स्टार्ट मिलेगा क्वेश्चन के लिए एंड एट द सेम टाइम एग्जामिनर को भी दिखेगा दैट यस यू आर ट्राइंग योर बेस्ट स्टेप वाइज मार्किंग होता है बस ये आपको समरी नोट से स्टेप वाइज मार्किंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा ऑलवेज अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन यार क्या चाहता है क्वेश्चन वो समझना बहुत जरूरी है बिकॉज दैट विल बिगिन योर स्टार्ट स्टार्ट राइटिंग स्टॉप ऑडिटिंग में कितने स्टूडेंट्स है अरे सर ये वाला क्वेश्चन तो आता है बट जब आप लोग सॉल्व करने बैठते हो एग्जाम में तो कहीं ना कहीं ब्लैंक हो जाते हो या कोई छोटा सा छोटा मिस्टेक कर देते हो ओनली बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस अभी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी वो बोल रही थी कि सर मैं प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू एनविटी फैक्टर्स बट उसको मैं प्रॉपरली मल्टीप्लाई डिवाइड करना रह गया बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस नहीं था बाकी कुछ करना नहीं था जस्ट मल्टीप्लाई करना था को. But, वो जाता है ऐसा गलती बुक फॉर पॉइंट वाइज थे प्लीज गाइज मैं कमेंट में लिंक दे रहा हूँ वेरी नॉमिनल अमाउंट यू शुड है

थिंग्स टू डू इन जनरल जो अभी अपन लोग लास्ट एक डेढ़ महीना अपना एग्जाम का बाकी है तो ये ध्यान में रखनी है। क्या? का प्लान रात को सोने के बैकलॉग जितना हो सके तो दो सब्जेक्ट रखो साथ में अदरवाइज एक सब्जेक्ट से बोर हो जाओगे थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करो यूज कैज एन अप्रोच मतलब ब्रेक द होल सब्जेक्ट और वॉट यू आर गोइंग टू डू इन टू वेरियस पार्ट एक पार्ट कंप्लीट होता है बैक थोड़ा आराम करो वापस से नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाओ सो दैट्स हाउ इट शुड बी एंड थ्योरी प्रैक्टिकल फोकस करो चाहे है या जिसको मैं बोलता हूँ टेन श्योर शॉर्ट कॉन्सेप्ट उसका मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करता हूँ विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ठीक है सो मैजिक बुक ले लेना विल बी यूजफुल तो सुपर सिक्सटी के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है एंड uh, फिर एफ एम के थ्योरी नोट्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को फटाफट दो दिन में थ्योरी थे कंप्लीट करना है पूरा का पूरा, पूरा सब्जेक्ट का रिविजन लेक्चर का सब लिंक जस्ट क्लिक करना है एंड यू विल गेट वॉट एवर यू वॉट सो एट डेज मैंने फेज वाइज डिवाइड कर दिया ये सब आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा कि मैंने कैसे उसको फेज वाइज डिवाइड किया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए सुपर सिक्सटी दे दिया है थ्योरी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको दे दिया है एमसीक्यू मेरे टेलीग्राम चैनल पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर ही रहे हैं सो so ये देखो ये एमसीक्यू क्विज दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे हम लोग ने आज का डेट्स भी दे दिया है दैट दिस इज हाउ यू शुड स्टडी सो दैट यू आर एबल टू गिव द एमसी और ये तो हंसते खेलते दे सकते हो यार आप लोगों को तो खाली क्लिक करना है एंड आपका काम हो जाएगा राइट गाइज सो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहना बिकॉज ये देखो यहां पे ऐसे हम लोग आ, टेस्ट लेते रहते हैं यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द ऑप्शन दैट यू वॉट एंड यू विल एंजॉय इट एट द सेम टाइम आप लोग कॉन्सेप्ट कवरेज भी पूरी तरह से होते जाएगा राइटिंग प्रैक्टिस मैं बोल चुका हूं ठीक है आर टीपी नवंबर ट्वेंटी फोर गुड न्यूज फॉर यू नो चेंज आईसीआई ने सब एज इट इज मॉड्यूल के क्वेश्चन उठा के डाले

I am ready to provide you, right? Most scoring subject, right? So, this is the most scoring subject, and I want to ensure that I will get it. रिवीजन लेक्चर्स की मैं बात करता हूं तो मेरे पास दो है एक फुल चैप्टर का है और मैं 10 मार्क्स का कॉन्सेप्ट रिवीजन विद प्रैक्टिकल सम्स करवा रहा हूं इट इज अ मस्ट वॉच अगेन स्पेशली अगर आपने एससीपीएम में मेरे 10 मार्क्स श्योर शॉर्ट सक्सेस देखे है तो कैसे पंद्रह मिनट में कॉन्सेप्ट हो गया सम हो गया डन पंद्रह मिनट लिया मैंने कॉन्सेप्ट उठाया उसी से रिलेटेड सम लिया डन सो so, वो आप देखो अभी आप कि तारीख में सबका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है है नहीं? So, वो अटेंशन स्पैन से का है नहीं? तो चलो के के तो सो so, मैंने ही इस रिविजन लेक्चर को तरह उसको डिवाइड कर दिया सो so, ऐसे मैं बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट के लेकर आता रहूंगा एंड दैट विल बी हेल्पफुल टू यू कुछ भी डाउट्स हो या कुछ आपको पूछना हो मैं